नमस्कार। अमित शाह ने पूरा गेम पलट दिया है महाराष्ट्र में। हमने आपको पहले ही बताया था कि एनसीपी और बीजेपी सरकार बना सकती है, आज उसका सच सामने हो गया है। सबने देखा कि आज सवेरे ही बीजेपी ने वहां पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और अमित शाह की रणनीति पर सारे फेल हो गए। संजय राउत का सारे शायरी फेल हो गई है, जो तमाम दिनों से इतने ड्रामे हो रहे थे महाराष्ट्र में, ऐसी राजनीति हुई, ऐसा अंत हुआ। लास्ट में हीरो ने पूरा फिल्म ही बदल दी और जो सोच रहे थे कोई वैसी फिल्म नहीं निकली। और शिवसेना के उद्धव ठाकरे तो न घर के रहे न घाट के, उनको तो ऐसी जगह फंसा दिया बीजेपी ने कि अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो गए। आज सवेरे ही 8 बजे करीबन बीजेपी ने शपथ ले ली है और एनसीपी के अजीत पवार यानी शरद पवार के भतीजे ने कमाल कर दिया है और वहाँ पर पूरा गेम पलट दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा शपथ ले ली है, तो ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है। महाराष्ट्र में पूरी राजनीति बदल दी। जैसे ही महाराष्ट्र में बॉलीवुड की नगरी कहा जाता है, वैसे ही वहाँ पर बॉलीवुड फिल्म की तरह लास्ट में पूरा ही क्लाइमेक्स चेंज हो जाता है। लास्ट में एंट्री होती है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बधाई देते हैं। और वहीं आपको बता दें, अमित शाह भी बधाई देते हैं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को लोग बोल रहे थे कि ये चुप क्यों हैं, क्यों चुप हैं। ये चुप्पी का राज यही है कि वो शिवसेना को न घर का छोड़ रहे थे न घाट के। जो इतनी ज़्यादा लालसा थी, आपको पता है लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को भी ठोकर देती थी, लेकिन आखिरकार उनका अंत ऐसा हुआ, पूरा देश हंस रहा है। आज भी आपको बता दें कि श्री देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और श्री अजीत पवार अजीत पवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि यह सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए नियंत्रण कार्य करेगी। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन देवेंद्र फडणवीस एंड अजीत पवार ऑन टेकिंग ओथ एज सीएम एंड डिप्टी सीएम महाराष्ट्र रिस्पेक्टली। आई एम कॉन्फिडेंट दे विल वर्क डिग्निटी फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र। ये तमाम आज बधाई या संदेश मिलने वाले हैं। और देवेंद्र फडणवीस कर शपथ लेने के बाद करते हैं, पीपल हैड गिवेन ए क्लियर मैंडेट बट शिवसेना ट्राइड टू अलाई विद अदर पार्टीज आफ्टर रिजल्ट। एज ए रिजल्ट प्रेजिडेंट रूल इम्पोज, महाराष्ट्र नीडेड ए स्टेबल गवर्नमेंट नॉट ए खिचड़ी सरकार। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र को एक खिचड़ी की सरकार की जरूरत नहीं है। शिवसेना जिसने जिस तरीके से मैंडेट को धोखा दिया है, एनसीपी के 22 एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी आपको बता दें, अभी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, इस वजह से पूरा खेल बदल दिया है अजीत पवार ने। शरद पवार वहां मीटिंग करते रहे, हमने पहले ही कहा कि बड़ा खेल होने वाला है महाराष्ट्र में, एनसीपी के सरकार बनने वाली है और शिवसेना भी टूट जाएगी। शिवसेना के भी बहुत सारे विधायक नाराज हैं, एक नाथ शिंदे गुट नाराज है, वो भी पार्टी तोड़ सकते हैं, तो वहां से भी बहुत सारे विधायक टूटेंगे। कांग्रेस पार्टी के बड़े विधायक टूट सकते हैं, तो अभी विधानसभा अध्यक्ष बने नहीं, इस वजह से पूरा फायदा बीजेपी का है और अब शिवसेना देखती रह जाएगी। और ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। अजीत पवार कहते हैं कि रिजल्ट डे दिस डे नो पार्टी एज एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट, महाराष्ट्र वाज फेसिंग मनी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग फार्मर इश्यू, सो वी डिसाइडेड टू स्टेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अजीत पवार ने असली खेल कर दिया, भतीजे ने तो कमाल कर दिया है। और यहाँ पर शरद पवार देखते रह गए और भतीजे ने छक्का मार दिया है। रातों रात ऐसी खिचड़ी पक गई, शिवसेना का मुंह ही जल गया है। आप बता दें कि ये क्या अच्छी स्टोरी हो गई है। और शरद पवार देखते रह गए और वहाँ पर देखते रह गए। संजय राउत तो शायरी करने में बिजी रहे, तो ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र का किसी को खबर नहीं थी, जैसे ही सवेरे टीवी ऑन करके देखा लोगों ने, तो ये कमाल हो गया महाराष्ट्र में। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज शिवसेना पर पूरा देश हंस रहा है, दिल लगा लो ये किस इतिहास की। इन्होंने तो नाक भी कटा दी है और अपना पूरा स्वाभिमान भी गिरा दिया है। तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो गया है। सुबह सुबह लोग अब बड़ी बड़ी वो लगा रहे हैं, सुबह सुबह आँख खुलते ही खबर सुनी कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली महाराष्ट्र की।
पहले ख्याल नहीं है उद्धव ठाकरे का नाम बदलकर देवेंद्र फडणवीस, तो ये बहुत बड़ा बयान है। तो ये अजीत पवार ने असली खेल खेल दिया है। हम कह रहे थे कि अजीत पवार और शरद पवार कुछ ना कुछ बड़ा खेल हो रहा है, तो ये एनसीपी टूट रही है और शिवसेना टूट रही है, टूट रही है कांग्रेस और टूट रहा है तो शिवसेना का दिल, यानी उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लग चुका है राजनीति में, महाराष्ट्र में। ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और बीजेपी एनसीपी ने साथ सरकार बना ली और भगत सिंह कोश्यारी ने वहां पर शपथ दिलाई एक को डिप्टी सीएम और सीएम के पद के लिए, और महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिखा दिया है कि जो जनता के साथ धोखा करता है उसको भी इसी तरीके से मजा चखाया जा सकता है। और जो कल तक ये सोच रहे थे पूरा पोर्टफोलियो बना दिया, मंत्रालय बंटवा दिए, मुख्यमंत्री पद के लिए भी सेहरा तैयार हो गया, लेकिन आखिरकार शादी किसी और की हो जाती है, दूल्हा वैसे ही घोड़ी में बैठने से पहले ही उतर चुका है। तो ये बहुत बड़ा खबर है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहिए, अब वो किस मुंह से बाहर आएंगे ये देखने वाली बात होगी। अजीत पवार के ने परिणाम के दिन में आज तक कोई भी सरकार बनाने के सक्षम नहीं था, महाराष्ट्र के किसान के मुद्दों सहित समस्याओं का सामना कर रहा था, इसलिए हमने एक स्थिर सरकार चुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और कहा कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को क्रमशः मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद लेने पर बधाई, मुझे विश्वास है कि वे महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र और शिवसेना कांग्रेस एनसीपी बैठक हो रही थी, अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा था। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हामी भर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री तो बने फटा पोस्टर और निकला देवेंद्र, और क्या हो गया है, शिवसेना का चेहरा देखने लायक हो गया, घर के नहीं रहे न घाट के, अपनी नाक भी कटा दी उद्धव ठाकरे। अब किस मुंह से कहेंगे कि वो बीजेपी सरकार नहीं बना रही, बीजेपी ने अंत समय में सरकार बना दी, और हमने पहले ही कहा था कि एनसीपी बड़ा खेल होने वाला है, और वो बड़ा खेल, ये जो फिल्म चल रही थी एक महीने से, अंत में उसका क्लाइमैक्स भी खतरनाक हो गया। महाराष्ट्र में अमित शाह ने बड़ा खेल रच दिया और मास्टर स्ट्रोक जिसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, अहमद पटेल, पंचकड़ी के सामने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे तो झुक गए, लेकिन झुके नहीं तो अमित शाह ने तो पूरी पार्टी ही झुका दी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे और 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लग गया था और ये 30 साल का गठबंधन शिवसेना ने तोड़ दिया था। आखिरकार यहां पर बहुत बड़ी जीत हो चुकी है, बीजेपी ने बड़ा छक्का मार दिया है, अमित शाह और अजीत पवार ने ये एक ऐसा गेम खेला कि लोग देखते रह गए थे, लोग बोल रहे थे बीजेपी चुप क्यों है, मोदी को क्यों नहीं बोल रहे हैं और बाकी लोग क्यों नहीं बोले हैं, लेकिन यहां पर अजीत पवार ने असली गेम खेल दिया है। अजीत पवार भतीजा सवा शेर साबित हुए और अमित शाह ने कमाल कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और महाराष्ट्र में अब तमाम बधाइयां मिल रही है देवेंद्र फडणवीस को। तो ये बात कही जा रही थी, हमने आपको बताया कि शरद पवार बीजेपी के सांसदों से मिल रहे हैं, 4 सांसदों से मिले। पहले हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात थी, कांग्रेस उससे बौखलाई हुई थी, खिचड़ी कुछ और पक रही थी दिल्ली में। शरद पवार आके कह रहे थे कि कोई सरकार बनाने को लेकर बातचीत नहीं हुई थी, पहले ही वो कह रहे थे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन शिवसेना के बच्चों को कौन समझाए कि ये राजनीति बड़े दिमाग वालों के लिए होती है, छोटे दिमाग वाले खाली बिना बात के गठबंधन तोड़ देते हैं। अरविंद सावंत अब क्या करेंगे, उनको तो जो मंत्री पद मिला था अब वो भी नहीं रहे, अब वो मुंबई में झुंझुना बना के और लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने वहां पर कमाल कर दिया है, जिसके कोई बहुत कम आशा कर सकते थे, लेकिन हमने तो पहले ही कहा था कि एनसीपी और
बीजेपी की सरकार बनेगी और वो सच हुआ ये बात सबने देखा। जय हिंद, जय भारत।